ओके हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड सेफ हैं अपने घरों में डियर uh, स्टूडेंट्स आज हम यहां पर क्लास टेंथ का पोलिनोमिल चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सो एज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो कहीं कही ना कहीं हमारे दिमाग में एंड हमारे इर्द गिर्द एक बहुत एक, एक, एक र्यूमर सा डेवलप हो चुका है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे क्या तरीका होगा सॉल्व करने का एंड जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस तरीके का हो सकता है इफ आई ऑप्ट बेसिक और आई ऑप्ट स्टैंडर्ड तो क्वेश्चन कैसे वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन वट एवर द मैथ्स ऑफ यू ऑप्टेड ओके सो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हम यह जान लें कि वॉट इज केस स्टडी केस स्टडी है क्या ठीक है आफ्टर दैट हम जंप करेंगे देन चैप्टर नंबर पे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड केस स्टडी ठीक है एज वी ऑल नो दैट बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि मैथ्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हमने पोलिनोमियल्स पढ़ा हमने कॉर्डरेटिक्स पढ़े हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा हुआ है हमने ज्योमेट्री uh, पढ़ा है सो so बट इनका रियल लाइफ में कहाँ पर कैसा क्या यूजेस हैं उसको हम आज यहाँ पर देखेंगे बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कुछ लाइक अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जैसे मैं मैंने यहां पर बोला कि आपने एक अगर मैं रेलवे ब्रिज की बात करता हूं या एक फ्लाईओवर की बात करता हूं सो बेसिक फ्लाईओवर कुछ इस शेप का है दिस इज द शेप ऑफ अ ओवर सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारे दिमाग में आता है कि ये शेप है क्या वॉट इज काइंड ऑफ दिस शेप इज ये क्या है ओके okay. आगे मूव करते हैं अगर हम बहुत सारे जैसे ब्रिजेस की बात करते हैं तो ब्रिजेस में अगर हम लीवर्स को देखते हैं तो आपने देखा होगा लीवर्स दे आर कनेक्टेड इन दिस फॉर्म ओके सो अगेन दिस फॉर्म दिस मेक्स सम कर्व्स सो ये बेसिकली ये है क्या ये कर्वस है ठीक है तो अब यहां पर रियल लाइफ में हम इन्हें कैसे कोरिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओके सो आज हम यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके टर्म वन एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करने वाला है टू सॉल्व दैट एमसीक्यूज ओके सो बिफोर टू स्टार्ट दैट केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बनाना चाहता हूं दैट इज पॉलिनोमियल सो स्टूडेंट एज वी ऑल नो दैट वॉट इज पॉलिनोमियल पोलिनोम क्या है मैंने आपको प्रीवियस के भी कुछ एक्सरसाइजेस में मैंने आपको के बारे में ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं व्हाट इज दैट द पॉली मींस मेनी एंड नॉमियल मींस टर्म्स सो बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर के हम एक पॉलिनोम बनाते हैं ठीक है सो बेसिकली हमें इसका बेसिक पता होना बहुत जरूरी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है स्ट्रक्चर क्या होता है पोलिनोम का एंड बेसिकली पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड उसकी जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं ओके स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहां पर आपको पॉलिनोमियल का एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन टू दी पावर एन माइनस प्लस ए टू टू दी पावर एन माइनस प्लस ए एक्स टू दी पार एन माइनस थ्री इट इज एन एक्स टू दिन माइनस एन इज और जस्ट राइट अब सर आपने ये क्या लिख दिया ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है जो बच्चों दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल ओके ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है देखो मैं आपको एक बेसिक तरीके से इसके लिख बताता हूं कि आप इसमें कैसे वेरिएशंस कर सकते हो ठीक है इफ यू पुट एन इक्वल टू वन एज वी ऑल नो दैट क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा हुआ है इफ द डिग्री ऑफ इज इज सो दैट कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल एंड इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोम इज टू दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोम इज थ्री सो इट्स कॉल्ड द इसटिक पॉलिनोमियल एंड सिमिलरली इफ द पावर फोर इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको सो इफ यू पुट एन इक्वल टू वन तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है देखो ध्यान से देखना है पोरिनॉर्मिल की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो आपको वहां पर क्लियरली बताया गया था कि में जो x का पावर है या जो डिग्री है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही रेशनल नंबर होने चाहिए ठीक है सो सो नेगेटिव नहीं होना चाहिए ओके okay. so, अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर मैंने n की प्लेस पे वन रखा है तो मुझे क्या पॉलिनोम मिलने वाला है सो so, मैंने यहां पर चलो मैं यहां पर जीरो से स्टार्ट करता हूं सिर्फ आई पुट एन इक्वल टू जीरो तब क्या होने वाला है अगर मैंने एन इक्वल टू जीरो पुट किया तो मुझे ए जीरो एक्स टू दावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू दावर जीरो माइनस वन सर ये तो एक्स टू दावर माइनस वन हो गया यस yes, अगर ये एक्स टू दावर माइनस वन है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे वी आर नॉट जस्ट कंसिडर दिस सो ओनली वन टर्म इज देयर लै एक्स टू दी पार जीरो इज वॉट वन सो मेरे पास पोलिनोम क्या मिल गया मेरे पास पोलिनोम सिर्फ एवं दिमाग में आता है थ्री ये, ये क्या है बच्चों वन ए टू आप ये देख रहे हैं ए थ्री अप टू एन ये सारे कॉन्स्टेंट कहलाते हैं ठीक है हम लोग जानते हैं कॉन्स्टेंट क्या होता है कोई भी नंबर हो सकता है लाइक थ्री लाइक फोर लाइक फाइव सो ये सारे क्या हैं कॉन्स्टेंट्स हैं ठीक है एंड दीज ऑल कॉन्स्टेंट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सर ये बिलोंग्स टू क्या लिख दिया आपने बच्चों बिलोंग्स टू का मतलब होता है सिंपली ये रियल नंबर से को रिलेट कर सकते हैं तो सर क्या इसका मतलब यह है कि ये जो टर्म्स हैं ये नेगेटिव हो सकते हैं यस ये नेगेटिव हो सकते हैं ये रेशनल हो सकते हैं यस ये रेशनल भी हो सकते हैं बिकॉज मैंने यहां पर रियल नंबर लिखा है तो रियल नंबर में सारे नंबर आ सकते हैं बच्चों ठीक है सो so अभी मेरे को देखो मैंने को इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर फर्स्ट टाइम पे x टू दी एन की प्लेस पे अगर मैं जीरो रखता हूं तो मेरे को ये चीज मिलती है सिर्फ ए जीरो मिलता है सर अगर मैंने ए जीरो को भी जीरो कर दिया तो नो no, मैं यहां पर ए जीरो को कभी भी जीरो नहीं करूंगा दैट ए जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो ये मेरी पहली स्टेटमेंट होगी क्यों अगर मैंने इसको ही जीरो कर दिया तो ये मेरा होल टर्म विल गेट जीरो अगर ये मेरा पूरा टर्म जीरो हो गया तो मैं इन टर्म्स को तो कंसीडर नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसमें एक्स की पावर क्या है नेगेटिव है सो व्हाट आई डू मैं कभी भी ए जीरो को जीरो नहीं रख सकता हूं ठीक है सो ये जो ए जीरो है ये क्या है कोई भी एक नंबर हो सकता है

चलिए तो सर अब आप एक काम करते हैं हम इस n की प्लेस पे वन रख के चेक करते हैं अब हमें क्या मिलने वाला है इफ आई पुट n इक्वल टू वन तो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है ओके okay? पर ध्यान रखना है ये a नॉट कभी भी हमको जीरो नहीं करना है सो so दैट अगर इफ आई पुट दिस n के प्लेस पे अगर मैंने वन रखा तो वट आई गेट आई गेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो जीरो नहीं रखना है सो आई जस्ट पुट ए जीरो तक के कंसिडर कर सकता हूं एक्स की पार को बट नेगेटिव पार्स नहीं हो सकती हैं तो बाकी के मैं टर्म्स को निग्लेक्ट कर दूंगा मैं उनको नहीं लिखूंगा सो दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स प्लस ए वन सर ये क्या है सर आप मुझे इसका एक एग्जाम्पल लिख के बताइए ओके okay. मैंने एक एग्जाम्पल लिखा दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दैट इज फोर एक्स प्लस थ्री

पॉलिनोमियल, ओके सो सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हो अगर आप एन की जगह पर टू रखते हो तो आपको क्या मिलने वाला है ठीक है मैं आपको यहां पर एन की जगह टू रख के बताऊंगा बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल आपको करना होगा ठीक है सो इफ आई पुट एन इक्वल टू टू देन वॉट आई विल गेट दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स टू दार टू प्लस ए वन एक्स टू दू माइनस वन वन प्लस ए टू एक्स टू दी पार जीरो मैं रेस्ट ऑफ दो कंसिडर नहीं कर सकता हूं बिकॉज वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे so, so, मुझे क्या मिल रहा है ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू अब सर आप मुझे एक एग्जाम्पल लिख के बताइए मुझे ऐसे समझ नहीं आता है तो ओके okay, कोई बात नहीं आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल इट्स माइनस फोर माइनस फोर एक्स स्क्वे प्लस थ्री माइनस रूट टू सर ये क्या लिख दिया आपने यस मैंने इसमें अगर ये चीज लिखी तो मेरा ये ए नॉट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए देखो अगर मैंने इस ए नॉट को जीरो रख दिया तो ये टर्म मेरा वैनिश हो जाएगा मुझे सिर्फ ये चीज मिलेगी ठीक है सो अगर मैंने पार n की टू भी लिया और अगर मेरा ए जीरो हो जाता है तो ये जो मेरा टर्म बचता है ये अगेन मुझे क्या बचता है इट इज अर पोलिनोम सो मैं कभी भी A0 को 0 नहीं रख सकता हूं अगर मुझे एन इक्वल टू टू रखा एंड शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोम तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्वाड्रेटिक पोलिनोम का क्या पढ़ते हैं जनरली जनरली हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोम का पढ़ते हैं दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी हम स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी कॉर्डिक परिनोमल का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ते हैं ठीक है सो जहां पर ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर आपने ए को जीरो कर दिया सो दैट होल टर्म विल वैनिश इट एंड दीज टू टर्म्स विल रिमेन टू यू एंड दिस इज वॉट इट इज अ पॉलिनोम सो क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या चाहिए ए को हम कभी भी जीरो नहीं करेंगे ये नेगेटिव नंबर हो सकता है ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं बट इट नॉट इट शुड नॉट बी दैट जीरो सर बिलोंग्स टू कर रहा है करने दो तो बेटा जीरो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है बट मैंने यहां मेंशन कर दिया दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो ओके सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से किस प्रकार से और किस टाइप से आ सकते हैं सो स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो दैट कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ में तो ग्राफ को एक्सिस पे जितने भी पार्ट पे वो जितने भी पॉइंट्स पे वो कट करता है उसके मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं ठीक है अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ का क्या है इसको देखते हैं अगर मैंने यहां पर सिंपली बात की दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओके सो क्लियरली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल सो लीनियर पोलिनोम में अगर हम देखें तो एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है वन है अगर इसका मैक्सिमम पावर वन है तो इसके मैक्सिमम सोल्यूशन या फिर हम सोल्यूशन को बोलते हैं जीरोज हम लोग क्या बोलते हैं सोल्यूशन को जीरो तो इसके मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है वन पॉसिबल है ठीक है तो क्योंकि इसका पार वन है अगर मैं यहां पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करता हूं सो इट इज इसका मैक्सिमम पावर कितना है इसका मैक्सिमम पे टू है. So, है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस टू होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि सिर्फ मैक्सिमम दो है तो क्या एक हो सकता है यस yes, हो सकता है इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं देखो एक ओवर में कितने बॉल होती हैं क्रिकेट में एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं सिक्स बॉल होती हैं ठीक है थीके? अब मुझे ये बताओ कोई एक man, एक ओवर में मैक्सिमम कितने सिक्स मार सकता है अब आप बोलोगे सर नो बॉल है तो नो नो बॉल की हम बात नहीं कर रहे हैं हम सिंपली एक सिंपल ओवर की बात कर रहे हैं तो एक ओवर में सिक्स बॉल्स होती हैं तो एक बैट्समैन एक ओवर में कितने मैक्सिमम सिक्स मार सकता है सिक्स मार सकता है बिकॉज सिक्स उसके पास छह बॉलें हैं मारने के लिए जैसे युवराज सिंह ने मारा था याद होगा आप लोगों को तो अभी यहां पर मैंने आपसे बोला कि मैक्सिमम सिक्स मार सकता है तो क्या वो फोर मार सकता है 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 भी मार सकता क्या वो दो छक्के मार सकता है दो भी मार सकता है एक मार सकता है एक भी मार सकता है क्या वो सर एक भी नहीं मार सकता है बिल्कुल नहीं मार सकता है पॉसिबिलिटीज तो है वो मैक्सिम सिक्स सिक्स मार सकता है लेकिन वो फाइव फोर थ्री टू वन जीरो भी मार सकता है तो क्या सर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोम है इसके आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो टू बताए हैं तो क्या इसके मैक्सिमम जीरोस जीरो भी हो सकते हैं यस yes, बिल्कुल हो सकते हैं इसको हम कैसे समझेंगे इसको हम ग्राफ से समझेंगे ठीक है सो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं दैट अगर आपने यहां पे तीसरे नंबर का पॉलिनोम लिखा दैट इज एक्स इसका जो मैक्सिमम पावर थ्री ले लेते हैं हम थ्री होंगे क्योंकि इसका पार थ्री है सिमिलरलीयो क्वाटेटिक में पार 4 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 4 होगा ठीक है अब हम सिंपली आते हैं ग्राफ पे कि ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं सो स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में बहुत स्टडी किया हुआ है हमने ग्राफ बहुत बनाए हुए हैं ठीक है सो so, हमने अगर एक सिंपल वे में अगर मैं बात करूं सो इट इज एन एक्स दिस दिट इज माइनस एक्स इट इज वाई एंड दिस वन इज वाई डैश दिस इज द पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव एंड बॉटम साइड इज नेगेटिव सो इफ आई टॉक अबाउट अगर मैंने आपको यहां पर बोला कि बच्चों एक बात बताओ मैं एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको क्या ग्राफ देता है सर लीनियर पॉलिनोमियल दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का फॉर्म यस ये आपको हमेशा क्या देने वाला है इट ऑलवेज गिव्स यू अ स्ट्रेट लाइन ये आपको क्या देगा ये आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा ठीक है अब स्ट्रेट लाइन देगा ऑब्वियस सी बात है या तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनने वाली है या स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बनेगी या स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी सो बहुत सारा टाइप है स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने का सो जब स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट पे कट करेगा जितने भी पॉइंट पे कट करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा वो उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा अगर आपको याद हो सपोज अगर मैंने यहां पर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक लीनियर पोलिनोम लिया हुआ है इफ आई सपोज टू व्हाट इज दिस जीरो तो आप क्या करते हो इस पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करते हो देन व्हाट यू विल गेट यू विल गेट माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो थ्री एक्स इक्वल टू फोर एक्स का वैल्यू इज फोर बाय थ्री अब x का वैल्यू फोर बाय थ्री आई सपोज कि वो इसको यहां पर कट कर रहा है बिकॉज पॉजिटिव साइन तो यहां पर कट करेगा तो कोई भी ग्राफ जब x एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पे कट करता है वो उस पॉलिनोम के उतने मैक्सिमम सॉल्यूशन देता है ठीक है सर लेकिन ये वाली लाइन तो कहीं कट ही नहीं किया <coughs> सॉरी अगर लाइन कट नहीं करती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्लियर है आप लोगों को ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगर मैं यहां पर एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूं द ग्राफ ऑफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक ओके सो नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक सो बच्चों क्वाड्रेटिक का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको ये चीज समझ में आएगी सो so, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखता हूं वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो जहां पर ए आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों अगर आपने ए को जीरो कर दिया तो आपका ये क्या बचेगा ये सिर्फ आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा सो so, अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है सो so, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप कुछ एग्जांपल्स देखो अपनी डेली लाइफ के तो आपने बोला हाँ सर मैंने ब्रिज देखा फ्लाई ओवर जो कि कर्व फॉर्म कर रहा है ठीक है एंड मैंने कुछ लीवर्स देखे फ्लाईओवर्स के ऊपर या ब्रिजेस के ऊपर मैंने कुछ लीवर्स देखे सर वो लीवर्स भी कर्व शेप के हैं एंड सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैंने अपने फ्रेंड को बॉल फेंका हम लोग कैच कैच खेल रहे हैं मैंने बॉल फेंका तो, तो दैट बॉल जस्ट गो दिस एंड अगेन इट्स मेक्स दिस शेप ओके और आप सोचो कि ऐसे इस टाइप का जो शेप है कर्व शेप है इस पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ कर्व शेप आप अपनी डेली लाइफ में कहां पर देखते हैं ठीक है सो ये जो कर्व होता है ना इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला इसे हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पैराबोला ठीक है अब so पैराबोला है है सो बेसिकली जो होता ना बच्चों वो आपको क्या देता है वो आपको एक पैराबोलिक ग्राफ देता है क्या देता है पैराबोलिक ग्राफ सो अगर मैं पैराबोलिक ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ठीक है ये ग्राफ है सर ये क्या हमेशा ऊपर की तरफ ही ओपन होगा नो no बच्चों ये नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है काइंड ऑफ दिस इस तरीके से ही बन सकता है तो क्या सर ये ऐसा भी बन सकता है यस yes, ये ऐसे भी बन सकता है ये ऐसा भी बन सकता है ये कुछ इस तरीके से भी बन सकता है ये किसी भी तरीके से हम पैराबोला को बना सकते हैं सो so सर इनमें डिफरेंस क्या है देखो बच्चों सबसे पहले अगर आप फोकस करते हो दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे इट्स पॉलिनोमियल इन विच दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो बट सर ये ए जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अब आप मुझे बताइए अब पॉजिटिव और नेगेटिव होने में क्या डिफरेंस होगा सो so बच्चों अगर ये ए पॉजिटिव होता है पॉजिटिव मतलब दैट ए should be greater than 0 अगर जीरो से बड़ा होता है लाइक 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर अगर ये होता है तो ये जो पैराबोला का ग्राफ है ना ये ऊपर के तरफ खुलता है काइंड ऑफ अ यू बनता है ओके okay? ऊपर के तरफ खुलता है और बट अगर मैंने चलो एक एग्जांपल लेके बता देता हूं सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया लाइक 4x2 6x minus 9

ओपन होगा इसका क्या मतलब है सर एक एग्जाम्पल बताइए आप मुझे सो दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बट आपको ध्यान रखना दैट पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस ए इज शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो सो दिस इज वॉट दिस इज सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ दिस पैराबोला अब आप अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे जाएंगे सो so, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोम दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी क्या है ये जो अभी देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये ए बी और ये सी क्या है दैट ए बी सी क्या है ठीक बेटा ए बी सी क्या है दैट ए इज नॉन जीरो ए हमेशा क्या होगा दैट इज नॉन जीरो रियल